गाइज YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर नया नया अपडेट लाता रहता है, और गाइज इस वीडियो में एक नया जबरदस्त अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि लाइव रिडायरेक्टर के ऊपर आया हुआ है। गाइज ये वीडियो आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट हो सकती है, और आप जब तक अपना चैनल क्रिएट कर रहे हैं, जब तक आप अपने लाइफ टाइम में अपने चैनल को चलाते रहेंगे, तो ये जो ये वाला अपडेट बताने वाला हूँ, ये अपडेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके चैनल के लिए। तो चलिए बताते हैं आपको लाइव रिडायरेक्टर का जो नया आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस पहले क्या होता था, जब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते थे तो चैनल पे कोई भी रेस नहीं देखने को मिलता था। मतलब जब भी वीडियो अपलोड होती थी 5-6 व्यू या 50 व्यू देखने को मिलते थे। लेकिन गाइज यूट्यूब का जो लाइव रीडायरेक्ट का ऑप्शन आ गया है और आने भी वाला है, सभी चैनल के साथ लागू होने वाला है, यह ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मतलब ओल्ड चैनल और न्यू चैनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दोनों चैनल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस अपडेट के साथ साथ आप जब तक अपने चैनल को चलाते रहेंगे तब तक आपको यह अपडेट काम करता रहेगा। गाइज लाइव रीडायरेक्ट का ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे यह होगा गाइज कि जब भी आप अपने लाइव को इंड करेंगे तो लाइव रिडायरेक्टर में ऑप्शन मांगेगा कि आप अपने चैनल किस भी फेवरेट चैनल को आप ऐड करना चाहते हैं। मतलब वहां पर आपको ऑप्शन देगा, जैसे कि जो बड़े क्रिएटर हैं उनके चैनल को अगर आप वहां पर ऐड कर देते हैं, तो ऐसे में गाइज क्या होगा, जब भी आप अपने लाइव रिडायरेक्ट के ऑप्शन को ओपन करेंगे, इनेबल करेंगे और लाइव इंड करेंगे, जब भी आप अपने लाइव को इंड कर देंगे लाइव आने के बाद, तो आप जब अपने लाइव को पब्लिक भी कर देंगे तो आपके उस वीडियो को दूसरे इसके चैनल जो आप वहां पर ऐड किए होंगे वहां पर आपको दिखाने की कोशिश करेगा, आपके साथ वहां पर समझौता करेगा कि इनकी वीडियो यहाँ पर थी, और आप अलग चैनल पर भी अपनी वीडियो को दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके व्यू इंक्रीज होंगे और दूसरे चैनल पर भी आपके व्यू आने के संभावना होगी, और अगर आप अच्छे क्रिएटर होंगे और अच्छी वीडियो बनाते होंगे तो ऐसे में आपकी हेल्प बहुत ही अच्छे तरीके से होगी और आप अपने चैनल को जल्द से जल्द बूस्ट कर सकते हैं। तो लाइव रिडायरेक्ट का ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी चैनल के साथ लागू भी होगा, और इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट करते हैं तब तक आप अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम नहीं इनेबल कर सकते, और साथ में लाइव स्ट्रीम इनेबल करने के बाद ही आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दें जिससे हम अलग वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करें। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए देश में, तब तक ले जाए वंदे मातरम।